हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। मैं शैलेंद्र आज फिर अपने चैनल शूट माय स्टाइल पे आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। आज का जो अपडेट है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर आप लोगों से धोखाधड़ी करना। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो पूरा डेडिकेटेड है एक मैसेज के ऊपर। ये मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मैसेज में आप देख रहे होंगे कि ये एक मेरे पास फोटो आया है। इस फोटो में लिखा हुआ है कि आपका जो बिल है वो पेमेंट नहीं हुआ है, आप तुरंत अपने बिल को पेमेंट कीजिए और ये पेमेंट करने के लिए आप इमीडिएटली हमसे संपर्क करें जो नंबर नीचे दे रखा है। तो अगर इस तरीके का मैसेज आपके पास आया हुआ है तो तुरंत से एक घंटी बज जाएगी आपके माइंड में कि ये सही है गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैसेज आया है ये पूरी तरीके से फ्रॉडी है। इस तरीके के मैसेज पर आपको कोई भी एक्शन और रिएक्शन नहीं देना है। अब मैं बता दूं उसका रीजन क्यों। ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज एक बहुत अनजान नंबर से आया है, एक बहुत रेगुलर नंबर है उससे आया है। और अगर आप इस नंबर पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं या उनके दिए हुए नंबर पर आप कोई मैसेज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जैसे ही उनसे बात करना चालू करेंगे तो वो आपको फंसाना अपनी बातों में चालू कर देंगे। और वो आपको फंसाने का जो तरीका होगा, वो फंसाने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि आप अपने नंबर को तुरंत से एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज लोग आपके बिजली के विभाग के लोग आएंगे और वो आपका नंबर जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपने तुरंत से ये बिल पेमेंट नहीं किया तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको डराया और धमकाया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका जो बिल है वो कुछ टाइम पहले का पेंडिंग है, 1,000 या 2,000 या 4,000 रुपये का। और अगर आपने तुरंत से ये पेमेंट नहीं किया तो फिलहाल इमीडिएटली बेसिस पे आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। अब आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो आपको ये भी झांसा देंगे कि अगर आप ये ऑनलाइन तुरंत मेरे प्रोसीजर के हिसाब से आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो वो आपको पूरा प्रोसीजर के तहत लेके जाएंगे और ऑनलाइन आपसे पेमेंट करवा लेंगे। लेकिन आपको किसी तरीके का कोई भी पेमेंट नहीं करना है, किसी तरीके के ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है इनके, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये पूरी तरीके से फर्जी होते हैं। इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको मैसेज नहीं करता है व्हाट्सएप पर, और जो मैसेज करता है तो उसके अपना व्हाट्सएप नंबर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है और वो उनकी वेबसाइट से रजिस्टर्ड होता है, ना कि वो अचानक आपको किसी भी नॉर्मल नंबर से मैसेज कर दें। तो गाइस, ये जो नंबर आया ये पूरी तरीके से फर्जी है। और आपको किसी भी तरीके से अगर आपके पास मैसेज आता है ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का और नीचे जैसे नंबर दिया है, तो आपको पहली बात तो कॉल ही नहीं करना है इस नंबर पे। आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है, कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं दिखाना है। ये मैसेज जो अगर आया है आपके पास तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इस मैसेज को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, सो दैट कि और लोग भी इस तरीके के जाल में ना फंसें। क्योंकि जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आपसे ठगे का जाल फैलाया जाएगा और आपसे पैसे की वसूली की जाएगी। तो गाइस, कोई भी अगर आपको इस तरीके का मैसेज करता है, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, चाहे यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, चाहे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, चाहे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई भी अगर इस तरीके से आपको मैसेज करता है एक अननोन नंबर से, तो आपको बिल्कुल भी एक्शन नहीं दिखाना, इस मैसेज को डिलीट कर देना या फिर अवेयरनेस के लिए आपको अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों को भेज देना है कि इस तरीके के मैसेज पर कोई भी एक्शन नहीं देना है। ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, क्योंकि आपको जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपको फंसा ही लिया जाएगा। चाहे आपसे 500 रुपए का पेमेंट कराया जाए, चाहे आपसे 1,000 रुपए का पेमेंट कराया जाए, चाहे आपसे 2,000 रुपए का पेमेंट कराया जाए, बट कुछ ना कुछ एक छोटा अमाउंट आपसे पेमेंट जरूर कराया जाएगा, सो दैट की कॉल करने का जो बेनिफिट है वो उनको जरूर मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई मैसेज इस तरीके का आया है फ्रॉड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप पहले इस तरीके से किसी मैसेज से बच चुके हैं या आपने किसी और को ऐसे मैसेज से बचाया है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ये घरेलू चीज़ें हैं, लाइट आना जाना, बिल पे करना, तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत नॉर्मल तरीके से फंस जाते हैं। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरीके के नॉर्मल मैसेज आ रहे हैं, इनको ये पूरी तरीके से फ्रॉड मैसेज हैं, इनको आपको कभी भी फंसना नहीं है और हमेशा अवेयर रहना है और दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस देनी है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपको इसी तरीके के वीडियोस आगे देखते रहने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।